हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी के बज रहे हैं 8 और 8 बज चुके हैं और अभी हो गई है रात। तो अब हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये मैंने आधा किलो गेहूं का आटा ले लिया है। तो अब मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, तो सबसे पहले लेंगे हम नमक। तो मैंने ले लिया है 1 चम्मच नमक, आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली ये है बथुआ। तो मैंने इसको पीस लिया है मिक्सी से, देख सकते हैं इसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया। और इसमें मैंने 8-10 हरी मिर्ची थी उसको भी ग्रेट कर लिया इसी में, और एक अदरक का टुकड़ा था उसको भी ग्रेट कर लिया। ये तीनों चीज़ों को मैंने साथ में मिक्सी से पीस लिया है। तो इसको हम ऐड करने वाले हैं क्योंकि आज हम बना रहे हैं बथुआ के पराठे। तो हम दिखाते हैं आप लोग के दूध कैसे लगाते हैं। तो 1 सेकंड दिखाते हैं, पूरा हम निकाल लेते हैं पहले मिक्सी जाल में से, उसके बाद दिखाते हैं क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ही हमारा आटा लग कर रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब इसे हम ऐसे ऐसे लगाते हैं। हमने इसमें ना ही कोई अजवाइन डाली है ना ही कुछ, आप लोग चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आएगा। लेकिन मेरी फैमिली को अजवाइन इसमें पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से डाल सकते हैं, आपकी फैमिली में आप लोगों को क्या पसंद है आप लोग अपनी। हमारा जो डो था वो लगकर रेडी हो चुका है। जब भी आप लोग डो लगाओ तो ऐसा ही लगाएं, देख सकते कितना सॉफ्ट है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें बाहर रहना कोई इतना नहीं रहना, हमें बाहर संस्कार सिखाने। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बाय।